हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो अपीयर होता है कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है पॉइंट इन पॉलीगन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है एंड फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को देखने के लिए आपको इसकी वेब कोडिंग की ओजे पे जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है इसमें लिंक होगा, इसको ओपन कर लेना है एंड ये क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ये CSCS का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें कंस्ट्रेंट्स को बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पॉलीगन दे रखा होगा, एन वर्टिसेस होंगी, आर्बिटरी पॉलीगन, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि आर्बिटरी पॉलीगन क्या होता है, आपको वो दे रखा होगा। एन वर्टिसेस होंगी, किसी भी तरह से रेंज हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, सिंपल पॉलीगन होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा खुद को। ठीक है, तो यू आर गिवन अ पॉलीगन ऑफ एन वर्टिसेस एंड अ लिस्ट ऑफ एम पॉइंट्स। ठीक है, आपको एन वर्टिसेस का पॉलीगन दे रखा है और एन एम पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, योर टास्क इज टू डिटरमाइन फॉर ईच पॉलीगन इफ इट इज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, बस आपको ये पता करना है कि क्या वो पॉलीगन इनसाइड है, आउटसाइड है उस पॉलीगन के, क्या वो पॉइंट उस पॉलीगन के बाहर है, अंदर है या फिर बाउंड्री पर है। ठीक है, तो पॉलीगन की डेफिनेशन दे रखी है और ये उसी तरह से हमें इनपुट दे रखा है जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में मिला था। ठीक है, जो पॉलीगन एरिया वाला क्वेश्चन जिसमें हमें सब ऑर्डर में सारे पॉइंट्स दिए। ठीक है, जैसे ए बी सी का पॉलीगन है, ए बी सी डी साइड का पॉलीगन है, तो ए पहले फिर बी सी एंड देन डी, ऐसे नहीं कि पहले ए के बाद सी दे दिया फिर डी फिर देन डी एंड देन बी, हमें ए बी सी डी ऑर्डर में दे रखा है, तो ऑर्डर्ड पॉइंट्स दिए हैं हमें सारे। ठीक है, तो हमें बताना है कि हर पॉइंट के लिए कि क्या ये पॉइंट, जैसे फोर फोर साइड्स का पॉलीगन एंड एम पॉइंट्स, तो ये फोर साइड्स हो गई है ना एंड ये थ्री पॉइंट्स हो गए, तो 2.3 इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है एंड दिस इज ऑन बाउंड्री, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यार, इसको सॉल्व करने के लिए ना सिंपल सी मैं चीज़ बताता हूँ। देखो, हमारे पास कोई भी पॉलीगन हो, लेट्स से मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ जो एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। अब देखो यार, देखो, मैं कोई भी आर्बिट्ररी पॉलीगन बनाता हूँ, लेट से मैंने ये पॉलीगन बनाया, ठीक है, लेट से मैंने ये पॉलीगन बनाया। ठीक है, और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स डाल देता हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स डाल दिए, पॉइंट्स को थोड़ा अलग कलर दे देते हैं। लेट से मैंने ये पॉइंट्स डाल दिए, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट डाल दिया, एक ये डाल दिया, एक ये डाल दिया। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये डाल दिया, ठीक है, एक पॉइंट ये डाल दिया, एक ये डाल दिया। ठीक है, ये थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हो गए, थोड़े कम करता हूँ पॉइंट्स को, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, तीन अंदर, दो लेट से बाउंड्री पे डाल दिए एंड ये बाहर डाल दिए। ठीक है, तो ये बाहर डाल दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है पॉइंट्स। देखो, अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा पॉइंट अंदर है पॉलीगन के, कौन सा बाहर है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम हर किसी से कुछ स्वीप लाइन टाइप का लगाएं और हम देखें कि अच्छा ये वाला पॉइंट इस लाइन के बाउंड्री में भी आ रहा है, ये वाला पॉइंट इस लाइन की बाउंड्री में भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। पूरे एरिया कैलकुलेट करें फिर देखें कि क्या ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इस एरिया में आता है कि नहीं आता है, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है कि हम, देखो हम एक काम करेंगे, सिंपल अल्गोरिदम बताता हूँ, हम एक काम करेंगे, हम करेंगे क्या कि किसी भी पॉइंट से हम इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी तक एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो लेट से मैं एक्स मतलब इन्फिनिटी कॉमा वाई तक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये समझ लो इसका वाई एक्सिस वाई वन है। ठीक है, लेट से इसका वाई एक्सिस वाई वन है, तो ये पॉइंट लेट से ये वाला, जो ये वाला है यहाँ पे एक्स वन मतलब इन्फिनिटी कॉमा वाई वन पॉइंट है। ठीक है, तो मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप खींच सकते हो। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हो आप, लाइन खींचो। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लाइन खींच दी ऐसे, और अब मेरे को पता करना है कि ये वाली लाइन पॉलीगन की कितनी साइड्स के साथ इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये वाली लाइन पॉलीगन की कितनी साइड्स के साथ इंटरसेक्ट करती है, ये एक ही साइड के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर नंबर ऑफ
इंटरसेक्शंस ऑड हुई तो मैं बोलूंगा कि पॉइंट इज इनसाइड द पॉलीगन, पॉइंट इज इनसाइड पॉलीगन, ठीक है। और अगर यही इवन हुई, यही इवन हुई तो मैं बोलूंगा पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड द पॉलीगन। और बाउंड्री के लिए मैं क्या केस करूंगा, बाउंड्री के लिए मैं सिंपली वही काम करूंगा जो मैं हमने लास्ट केस में देखा कि इफ पॉइंट लाइज, जो हमने पॉइंट इंटरसेक्शन वाला देखा था ना, कि अगर वो पॉइंट कोलिनियर है एंड वो पर्टिकुलर उसमें आता है, जो हमने लाइन इंटरसेक्शन वाली वीडियो में डिस्कस करा, तो बाउंड्री के लिए कुछ वैसा करूंगा। अभी मैं इनसाइड और आउटसाइड की बात करते हैं। तो देखो ये एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट हो रही है अगर मैं इस वाले पॉइंट से इन्फिनिटी तक लाइन खींच दूँ, ठीक है। तो ये एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये ऑड नंबर है, मतलब ये इनसाइड दी पॉलीगन है, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को करता हूँ डिलीट, ठीक है, इस लाइन को करता हूँ डिलीट। और अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हैं। इस वाले पॉइंट से समझ लो मैंने ऊपर की डायरेक्शन में लाइन खींच दी, किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये कितनी बार, मतलब कितनी बार पॉलीगन के किसी भी साइड से इंटरसेक्ट हो रहा है। पहला तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन, ये वाली लाइन, तो ये तीन साइड्स के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। और तीन क्या है, एक ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब पॉइंट इज इनसाइड द पॉलीगन। ये ऐसा क्यों है, देखो समझ लो ऐसे है, तो अगर ये, अगर अगर ये पॉइंट इससे इंटरसेक्ट करता है एंड देन इससे इंटरसेक्ट करता है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बार बाहर गया, अंदर आया और उसके बाद दोबारा उसके बाद बाहर चला गया, ठीक है। मतलब ये इवन टाइम्स अकर हो रहा है, इवन टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट बाहर है। पर अगर ये ऑड टाइम्स इंटरसेक्ट होगा ना, क्योंकि देखो कोई भी पॉइंट है ना, समझ लो ये पॉइंट ऐसे है, तो अगर इसके आगे से कोई लाइन ऐसे जा रही होगी ना पॉलीगन की, समझ लो ऐसा सा पॉलीगन है, ठीक है, तो मतलब मैं कैसे समझाऊँ, देखो ऐसा सा पॉलीगन है, ऐसा सा पॉलीगन है, तो अगर ये लाइन इसके आगे से जा रही होगी ना, तो ये घूम के फिर वापस भी आएगी, तो इस वजह से क्या होगा कि ये वाली लाइन एक एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली प्रूफ तो मैं इसको डायरेक्टली नहीं कहूँगा, बेसिकली मैं आपको ओवरऑल आइडिया समझा रहा हूँ कि क्या है। देखो ये, अब यहाँ से अगर मैं इन्फिनिटी से लाइन ड्रॉ करूँ, तो देखो एक बार ये बाहर गया, फिर ये अंदर आया, फिर ये बाहर गया, ठीक है, तो मतलब ये ऑलरेडी पहले अंदर था, ठीक है। पर अगर ये बाहर होता ना, बाहर होता ना, तो क्या होता कि जो ये वाली एज है ना, देखो समझ लो ये हमारी एक ब्लॉकिंग, ठीक है, एक देखो मैं एक अपनी टर्मिनोलॉजी बनाता हूँ, देखो समझ लो ये हमारा पॉलीगन है, ठीक है, ये हमारी है ब्लॉकिंग एज, ब्लॉकिंग साइड, ठीक है, ये ब्लॉकिंग साइड है, और ये फिर कम अराउंड साइड है, लेट्स से इसको हम कम अराउंड साइड बोलते हैं, क्योंकि देखो पॉलीगन को कंप्लीट होना है तो ये घूम के वापस भी आएगा, है ना। तो अगर ये साइड ऐसे जा रही है ना, तो पहले तो ये ब्लॉकिंग साइड के साथ टकरा, ये पहले इस वाली ब्लॉकिंग साइड के कम अराउंड साइड के साथ टकराया, फिर ये इस वाली ब्लॉकिंग साइड के साथ टकराया, है ना। ये बेसिकली मैं अपनी टर्मिनोलॉजी बना रहा हूँ, ठीक है, पर ये बेसिकली ओवरऑल आइडिया है कि हम ऑड इवन क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब इस वाली ब्लॉकिंग साइड के साथ टकराया ना, तो इसकी कम अराउंड साइड के साथ भी टकराएगा, ठीक है, तो ये हमेशा एक एक्स्ट्रा साइड के साथ टकरा रहा होगा, और वो एक एक्स्ट्रा साइड क्या बना देगी, वो ऑड नंबर बना देगी, ठीक है। पर अगर आप बाहर वाले पॉइंट के लिए देखो, समझ लो ये हमारा पॉइंट है, तो पहले तो ये इस ब्लॉकिंग साइड के साथ टकराया, ठीक है, फिर ये इस कम अराउंड साइड के साथ टकराया, फिर ये अगेन इस ब्लॉकिंग साइड के साथ टकराया, एंड अगेन ये इस कम अराउंड साइड के साथ टकराया। तो बेसिकली क्या हुआ, एक बार पॉजिटिव हुआ, फिर दोबारा नेगेटिव हो गया, फिर प्लस पॉजिटिव दोबारा हुआ, फिर दोबारा नेगेटिव हो गया, तो ये कुल मिला के रिजल्ट जीरो हो गया, ठीक है। और इसमें जो एब्सोल्यूट एजेस हैं ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग साइड्स और कम अराउंड साइड्स में जो डिफरेंस है, वो जीरो का है। और जो हमारा वो होगा, मतलब ये तरीका मुझे समझाने में आसान लगता है, ठीक है, ब्लॉकिंग और कम अराउंड साइड्स के हिसाब से समझाने में। देखो अगर मैं पॉइंट इनसाइड होगा, तो ये या तो एक एक्स्ट्रा ब्लॉकिंग साइड को टच कर रहा होगा, या तो ये एक्स्ट्रा कम अराउंड साइड को टच कर रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ बेसिकली कम अराउंड साइड को ही टच कर रहा होगा, देखिए, क्योंकि इसकी जो ब्लॉकिंग साइड होगी, इस वाली कम अराउंड साइड की, कम अराउंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि घूम के वापस आने वाली साइड है, ठीक है, ये वाली घूम के वापस आने वाली साइड है, ताकि ये इस पॉइंट से मिल पाए, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ था ना पॉलीगन, तो ऑफकोर्स ये घूम के इधर आएगा, तो इस वाली साइड से मिल पाए, ठीक है। तो देखो ये इस कम अराउंड साइड से टकराया, एंड देन ये इस ब्लॉकिंग साइड से टकराया, क्योंकि अब ब्लॉकिंग साइड से टकराया तो कम अराउंड साइड से भी टकराएगा ही टकराएगा, समझ लो इसके आगे कोई ब्लॉकिंग साइड ना होती, ये ऐसा होता और ये अंदर होता, तो क्या होगा कि
ये फॉर एग्जाम्पल ये पॉलीगन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था इस पॉइंट से, तो ऑफ कोर्स ये ब्लॉकिंग साइड हो गई, ठीक है। फिर ये घूम के जब ये वापस आ रहा है ना और इस पॉइंट के लिए, तो ये कम अराउंड साइड हो गई। तो जब ये पॉइंट में आप इन्फिनिटी पे लाइन खींचोगे तो ये एक एक्स्ट्रा कम अराउंड साइड के साथ टकरा रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका काइंड ऑफ प्रूफ, क्या बोलूँगा इसका, ये आइडिया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को, कि हम ऑड इवन का खेल क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि बाहर है पॉइंट, ठीक है। तो और लेट से हम वर्स्ट पॉसिबल वे में लाइन खींचते हैं, हम इस वे में लाइन खींचते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे हमने लाइन खींची, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार इसने ब्लॉकिंग के साथ करा, दूसरी बार इसने उसकी ही कम अराउंड के साथ कर दिया, फिर इसने ब्लॉकिंग के साथ करा एंड देन अगेन कम अराउंड के साथ कर दिया। तो ये कितनी बार हो गई, 4 बार हो गई, और ये एक इवन नंबर है, मतलब ये आउटसाइड दी पॉलीगन, ठीक है। ओके, बाउंड्री वाला केस हम कैसे देखेंगे, जो हमने लाइन सेगमेंट इंटरसेक्शन में देखा था, कि अगर कोई पॉइंट ऑन द लाइन वाली, जो सेकंड वाली कंडीशंस थी, जो सेकंड वाली स्पेशल केस कंडीशंस थी, वो देखेंगे, ठीक है। तो उसका हेल्प लेंगे हम, ब्लॉकिंग बाउंड्री वाला केस समझ लेंगे। ये हमारा था इनसाइड आउटसाइड वाला केस। इनसाइड होगा तो अगर हम इन्फिनिटी तक लाइन खींचें किसी भी डायरेक्शन में, तो वो ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कर रहा होगा किसी भी साइड के लिए। पर अगर आउटसाइड होगा तो वो एक इवन नंबर ऑफ लाइन्स, इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कर रहा होगा पॉलीगन की किसी भी साइड से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा इसका लॉजिक था, ठीक है। अब इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, वो कोड देख के ही समझते हैं, ठीक है। कोड के साथ साथ ही समझते हैं कि इसे कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम जो सारी जो नॉलेज हमने पहली वीडियो से ली थी ना, वो सारी नॉलेज इस वीडियो में आके इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। मतलब जो हमने ओरिएंटेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, फिर ऑन सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट सीखा था इंटरसेक्शन वाली वीडियो में, फिर हमने इंटरसेक्शन वाला ही कॉन्सेप्ट जो सीखा था, है ना, वो सारी नॉलेज इस वीडियो में आके यूज होगी। तो ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने वो वाली वीडियोस देख रखी हो, ठीक है। तो अब इसका कोड देखते हैं और देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो ये हमारा कोड है इस प्रॉब्लम के लिए, देखो आप देख सकते हैं, एक एक्सेप्टेड कोड है, ठीक है। तो इसमें मैंने करा क्या है, अभी देखते हैं, इस कोड को पूरा एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं कोड के ऊपर इटरेट करके समझाऊं, ठीक है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं कोड साथ साथ करने लगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो बहुत सारे जो हमने पिछली पूरी नॉलेज है ना, वो सारी इस क्वेश्चन में आकर यूज हो रही है, ठीक है। ये मतलब एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ ऑल दी क्वेश्चन, ठीक है। और ये काफ़ी प्रिसाइज कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि देखो इतना इतने सारे फंक्शन मैंने सिर्फ 150, क्या मतलब 50 लाइन्स के अराउंड इंप्लीमेंट करे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड है, ठीक है। इसको हम पूरा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसको हमने कैसे इस पूरी हमने नॉलेज को, पुरानी नॉलेज को यूज करा, ठीक है। तो वो देखते हैं, देखो देखो इंट मेन से ही शुरू करते हैं, सबसे पहले इंट मेन से ही शुरू करेंगे, एक एक लाइन करके सब समझेंगे, ठीक है। ये मैंने क्यों करा, फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए करा, ठीक है, ताकि मेरा इनपुट आउटपुट फास्ट हो। और C++ में भी क्यों कोड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें फास्ट इनपुट आउटपुट चाहिए, वरना TLE आ जाएगा, ठीक है, वरना TLE आ जाएगा, ठीक है। ये हमने TLE को बचाने के लिए करा, ठीक है। ये इंट मैंने इंटीजर लिए एन कॉमा एन, एन क्या है हमारा, एन क्या है, एन है हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस, और एम क्या है हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो हमें जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा वेक्टर इंट वर्टिसेस, ये हमारा पॉलीगन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर ऑफ पेयर है। इंट इंट मतलब पेयर, जैसे मैंने यहाँ पे हैश डिफाइन करा हुआ है, यहाँ पे मैंने इंट इंट को पेयर ऑफ इंट इंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंट इंट है, और ये इंट भी नहीं है, ये लॉन्ग है एक्चुअली। मैंने यहाँ पे टाइप, यहाँ पे हैश डिफाइन इंट लॉन्ग लॉन्ग इंट करा हुआ है, तो ये लॉन्ग है, ठीक है। अगर आप इस कोड को देख के कोड करते हो, तो इंट की जगह हर जगह पे लॉन्ग रखना, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है। तो ये वेक्टर ऑफ इंट इंट क्या है, वेक्टर ऑफ पेयर है, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर है, पेयर इंट इंट, ठीक है। इसे यहाँ पे देख सकते हो, पेयर इंट इंट, ठीक है। तो पेयर इंट ऑफ इंट है, तो बेसिकली समझ लो ये हमारे पेयर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पेयर्स हैं। पेयर्स में होता क्या है, एक फर्स्ट मेंबर होता है, एक सेकंड मेंबर, एक फर्स्ट मेंबर, एक सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, और ये उनका वेक्टर है, ये इनका वेक्टर है, वर्टी एक वेक्टर है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट में पड़ा होगा, यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट पे क्या पड़ा होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड में क्या पड़ा होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो ये तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, थोड़ा सिंटैक्स, ठीक है। तो इंट एक्स और वाई लिया, हर एक पॉइंट को, हर हर एन पॉइंट को मैंने इनपुट लिया, और उसे मैंने वेक्टर ऑफ वर्टी में मैंने पुश बैक कर दिया, मेक पेयर करके, ठीक है, मेक पेयर करके पुश बैक कर दिया, ठीक है।
अब मेरे पास इस वाले उसमें हर पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन एज अ पेयर आ गई है, जिसमें पेयर में एक्स वाई कोऑर्डिनेट पड़े हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड पोजीशन पे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब वेक्टर इंट इंट पॉइंट्स, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर पॉइंट्स, ठीक है। अब वैसे ही जैसे मैंने वर्टिसेस लिए वैसे ही मैं पॉइंट्स लूंगा, ठीक है, पॉइंट्स लूंगा। अब वही सेम चीज़ कि पेयर में फर्स्ट जगह एक्स कोऑर्डिनेट पड़ा होगा, सेकंड जगह पे वाई कोऑर्डिनेट। जैसे देखो इंट एक्स वाई लिया मैंने, एम पॉइंट्स हैं, है ना, और हर पॉइंट में मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट इनपुट करवाया, एंड देन पॉइंट्स डॉट पुश बैक, पीबी का मतलब है पुश बैक, ठीक है, पीबी मतलब पुश बैक, मेक पेयर एक्स कॉमा वाई, ठीक है, मेक पेयर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ओके ओके, अब देखते हैं ये वाला जो काम, ये लूप मेन है, ठीक है, ये लूप मेन है, ये लूप मेन है, ठीक है। अब देखो देखो, ये सेट इंट इंट को छोड़ देना, ये मैं अभी आगे समझाता हूँ मैंने क्यों लिखा है, इसका कहीं पे यूज़ करा नहीं है वैसे, पर मैं अभी समझाता हूँ क्यों लिया ये, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। देखो अब ये जो हमारा है ना, ये ई आई आई का क्या मतलब है, मेरा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मैंने क्या रखा है, ये पेयर लिया है जिसका फर्स्ट मेंबर है इंट मैक्स और सेकंड मेंबर है इंट मैक्स प्लस वन, ठीक है, क्योंकि सब लॉन्ग में ले रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने इंट इंट में टाइप कास्ट कर रखा है, पर ये एक्चुअली इंट को हैश डिवाइन करके लॉन्ग लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली लॉन्ग लॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना, हैश डिफाइन इंट लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है, ताकि कभी मैं अगर कॉन्टेस्ट में कर रहा हूँ तो अगर ओवरफ्लो ना आ जाए ना, तो इसलिए मैंने ये लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखा हुआ है। तो इंट मैक्स, ठीक है, इंट मैक्स प्लस वन, ठीक है। ये मैक्स प्लस वन क्यों लिखा है, क्योंकि जो इसका टेस्ट केस 3 है उसमें ये हमें ऐसे पॉइंट दे रहा है, जैसे 1.1 और 3.3। तो अगर इंट मैक्स ले लूंगा ना, तो जब ये ऐसे समझ लो ऐसे पॉलीगन है हमारा, तो जब ये एक पॉइंट पे वो हो रहा होगा ना, इंटरसेक्ट हो रहा होगा ना ये वाली लाइन, इससे जो इन्फिनिटी तक लाइन जा रही है, अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही होगी तो वो उसे दो इंटरसेक्शन में काउंट कर लेगा, ये इस लाइन के साथ भी इंटरसेक्शन में काउंट कर लेगा एंड दिस लाइन के साथ भी इंटरसेक्शन में काउंट कर लेगा। तो इसलिए मैंने इंट मैक्स और इंट मैक्स प्लस वन लिया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा वो है इसका लॉजिक, ठीक है। ओके, अब ये क्या है मेरा इंटरसेक्ट काउंट, इंटरसेक्ट काउंट यहाँ पे मैं काउंट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं काउंट करूंगा, ठीक है। कि देखो अगर आपको ये नहीं लेना ना, एंड पॉइंट टाइप का कुछ नहीं करना, तो फिर आप सिंपली इंटरसेक्ट काउंट में आप एक सेट बना सकते हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सेट लिखा था, और आप हर किसी उसके लिए, मतलब हर किसी जो लाइन जा रही है हमारी इन्फिनिटी तक, मैं बेसिकली करके रहा हूँ। देखो देखो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद सेट का सीन समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्ट काउंट लिया कि कितनी बार ये पॉइंट करंट पॉइंट, ठीक है, इस करंट पॉइंट है सी पी, करंट पॉइंट है, तो कितनी बार करंट पॉइंट इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ये कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ, ऑड बार इवन बार है ना, तो ये इंटरसेक्ट काउंट कंसिस्ट करेगा कितनी कितनी साइड्स के साथ ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है। और बूल बाउंड्री, क्या ये बाउंड्री का पॉइंट है, इसको मैं इनिशियली फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अब ये इंट एन का लूप चला, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन तक चला, मतलब हर साइड के लिए, जो हर साइड के पॉइंट्स हैं उसके लिए देखेंगे। और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे जो हमने लाइन इंटरसेक्शन वाली वीडियो थी ना, लाइन इंटरसेक्शन वाली वीडियो, ठीक है, लाइन इंटरसेक्शन वाली वीडियो थी ना, वही सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भाई मेरे पास एक लाइन जा रही है जो पॉइंट करंट पॉइंट से एंड पॉइंट तक है, एंड पॉइंट तक है, ठीक है। करंट पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे सेट करा है इंट मैक्स कॉमा इंट मैक्स, ठीक है, ये एंड पॉइंट तक। और मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी ले रहा हूँ, जो मेरी पॉलीगन की कोई साइड होगी, पॉलीगन का पॉइंट ए, पॉलीगन का पॉइंट बी, ठीक है, ये मेरी ऐसे साइड होगी। और मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, सिंपली मैं ये लगा रहा हूँ कि जो हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट था, जो हमारा लाइन इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, ये वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। ए ए क्या है, वर्टी ऑफ आई, मतलब इसमें पेयर सेव हो जाएगा जो वर्टिस वर्टिसेस ऑफ आई पे पड़ा होगा, ठीक है। ये पेयर बी क्या से रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ आई प्लस वन मॉड एन, आई प्लस वन मॉड एन क्यों, ये मैंने इंटरसेक्शन वाली वीडियो में भी समझा रखा है कि अगर हमारा ऐसा कोऑर्डिनेट हो, अगर हमारा ऐसा कोऑर्डिनेट हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देखो सम ए बी सी डी ई, तो हमने इसके लिए मैंने समझ लो यहाँ पे लाइन खींची इन्फिनिटी पे, ठीक है, ये हमारा करंट पॉइंट है। तो पहले ये ए बी लाइन के साथ चेक करेगा, फिर ये बी सी लाइन के साथ चेक करेगा, फिर सी डी लाइन के साथ चेक करेगा, फिर डी ई लाइन के साथ चेक करेगा, है ना। पर फिर अब एन तो खत्म हो गया है ना, पर ई और ए के साथ भी चेक करना है, ई एन माइनस वन पे खड़ा है और ए हमारा 0 इंडेक्स पे खड़ा है ना। तो ये इसलिए है, ये वाली कंडीशन इसलिए है, ठीक है, ये वाली कंडीशन इसलिए है, तो ये वाली कंडीशन हमारी इसलिए है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ओरी, ये देखो ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन कैलकुलेट करने के लिए है, ठीक है, ये ओरिएंटेशन कैलकुलेट करने के लिए ये बताता है कि ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। देखो ये वाला लूप क्या कर रहा है, बेसिकली
इफ ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉट फर्स्ट, मतलब जो हमारा ए पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा ए वाई कोऑर्डिनेट, बी एक्स कोऑर्डिनेट बी वाई कोऑर्डिनेट, सी एक्स कोऑर्डिनेट सी वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, हमें बस इस पॉइंट की ओरिएंटेशन चाहिए। अगर वो इक्वल इक्वल टू जीरो है, हम बाउंड्री के लिए चेक कर रहे हैं, अगर ये वाला पॉइंट जो करंट पॉइंट है, समझ लो अगर करंट पॉइंट ऐसे होगा, समझ लो हमारी बाउंड्री, समझ लो ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो, यहाँ पे देखो इस सीन, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये किसी बाउंड्री पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट लूँ तो ये एक बाउंड्री पे लाई कर रहा है, और इसका इन्फिनिटी वाला पॉइंट तो ऑफकोर्स बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहा होगा, तो हम सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन देखेंगे। ए बी समझ लो हमारा ये है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या ए बी पे लाई कर रहा है? जो ये कहाँ पे हमने देखा, ये हमने देखा था ओरिएंटेशन वाली वीडियो में भी और लेफ्ट राइट वाली वीडियो में भी, ठीक है, जो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट थी उसमें भी देखा था, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो वो वाली वीडियो देखो, ठीक है। तो ए डॉट फर्स्ट ए डॉट सेकेंड बी डॉट फर्स्ट बी डॉट सेकेंड, मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट ए का वाई कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट बी का वाई कोऑर्डिनेट, और जो करंट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है करंट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, वो ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर जीरो हुआ उसकी ओरिएंटेशन, एंड ये वाला पॉइंट जो है सीपी वाला पॉइंट सेगमेंट पे लाई करता है, सेगमेंट वाला कोड कहाँ है, सेगमेंट वाला कोड ये रहा, सेगमेंट वाला कोड ये रहा, ये वाला कोड, ये मैंने क्यों करा था, ये मैंने लाइन सेगमेंट वाली वीडियो में समझाया था कि देखो पुरानी नॉलेज सारी यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है कि अगर जो हमारे करंट इस हमें एक्स थ्री वाई थ्री देखना है कि वो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू पे लाई करता है कि नहीं, तो अगर एक्स थ्री वाई की थ्री कि एक्स से वाई की रेंज में अगर रिलाई कर रहा हो, एक्स वन एक्स टू की रेंज में एक्स थ्री लाई कर रहा हो, एंड एक्स थ्री वाई वाई वन वाई टू की रेंज में वाई थ्री लाई कर रहा हो, तो वो हम बोलेंगे कि वो ऑन सेगमेंट है, ठीक है, वो ऑन सेगमेंट है। ये मैंने डिटेल में इंटरसेक्शन वाली वीडियो में समझाया था, ठीक है। तो ठीक है अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बाउंड्री है तो अगर तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये बाउंड्री पे पॉइंट लाई करता है, और अगर बाउंड्री पे करता है तो हम ब्रेक कर देंगे, और फिर हम सिंपली क्या यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा ये वाला लूप, फिर यहाँ पे बाउंड्री इफ बाउंड्री सी आउट बाउंड्री कर देंगे, ठीक है। पर अगर ये बाउंड्री ना हो तो हम सिंपली चेक करेंगे कि इफ ये वाला करंट पॉइंट और एंड पॉइंट से जो लाइन फॉर्म हो रही है वो ए और बी से जो लाइन फॉर्म हो रही है उससे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो इंटरसेक्ट काउंट प्लस प्लस कर दो। फिर क्या करेंगे कि इफ एल्स इफ इंटरसेक्ट काउंट मॉड टू, मतलब ये क्या देगा वन देगा, तो अगर ये ऑड है, ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट काउंट ऑड है यहाँ तो हम सी आउट इनसाइड कर देंगे, और अगर ये इवन है एल्स हम आउटसाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला कोड एक बार ये चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ मैं सबके साथ कि देखो मैंने इन सबको क्यों कमेंट कर दिया, इन सबको भला क्यों कमेंट करा मैंने, क्योंकि इन सबको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन सबको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इंटरसेक्ट वाले कोड में हमें इतना पता होगा कि वो पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोलिनियर होता तो हम बाउंड्री वाला केस ऑलरेडी चेक कर चुके होते, ठीक है। देखो ऑफकोर्स इंट मैक्स को हमारा इंट मैक्स जो हमारा बेसिकली हमारा एंड पॉइंट है, एंड पी ये वाला पॉइंट, ये वाला तो ऑफकोर्स कोलिनियर होगा नहीं किसी भी साइड के साथ, ठीक है। और हम जो सी पी वाला पॉइंट है करेंट पॉइंट है, इसका हम चेक कर ही चुके हैं कि ये बाउंड्री पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर हम बाकी के लिए क्यों चेक करें, हम बाकी के लिए क्यों चेक करें, इनके लिए क्यों चेक करें, हमें बस यहाँ से बस ये चेक करना है कि क्या ये ओरिएंटेशन सारी नॉट इक्वल टू है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने इंटरसेक्शन वाली वीडियो में डिस्कस करा था कि ये क्या है पूरा, ठीक है, ये वाली कहानी पूरी उस वीडियो में डिस्कस करी थी, ठीक है। तो हमें बस ये चेक करना है कि ओरिएंटेशन नॉट इक्वल टू है ना सारी, बस ये बता दो, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, तो फिर हमारा इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब हमारा इंटरसेक्ट करता है क्योंकि कोलिनियर तो नहीं है और ओरिएंटेशन भी सारी अलग है, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट ही करता होगा, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड प्रिसाइज कोड, ठीक है, फॉर दिस रियली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम में जो भी हमने अभी तक ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स देखी, हमने ये देखा कि प्रॉब्लम का कोड करना काफ़ी आसान था पर प्रॉब्लम के आइडिया को इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल था। इस वाले में उस वाले क्वेश्चन में उल्टा है, इस वाले क्वेश्चन में है कि प्रॉब्लम का इंप्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल है ना, और प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करना ज़्यादा मुश्किल है, एंड जो प्रॉब्लम के पीछे लॉजिक है वो तो बस छोटा सा ही है कि भाई अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनसाइड है, इवन नंबर ऑफ टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो आउटसाइड है, ठीक है। और ये लॉजिक भी सिंपल है, मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो ये हमारा इसका पूरा कोड था, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको आपने पहले की वीडियोस देखी हों, ये वीडियो देखने से पहले जो सारी मैंने ओरिएंटेशन लाइन इंटरसेक्शन पॉलीगन एरिया है ना, ये सारी वीडियोस जो बनाई है ना, ये सब आपने देख रखी हैं, तो आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने करा क्या है, ठीक है। तो ये इसका पूरा कोड था कि इफ इफ पॉइंट लाइज इनसाइड अ पॉलीगन और नॉट, आर्बिट्ररी पॉलीगन, ठीक है। तो
ये इसकी एप्लीकेशन भी काफ़ी सारी हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर समझ आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।